द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ क्लॉक एंड टाइमिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लॉक और टाइमिंग कैसे वर्क करती है और कैसे हम इनपुट्स को, क्लॉक्स को और आपकी आउटपुट को इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे वो हम बनाते हैं, वो इसमें हम देखेंगे। ऑल्सो वी विल गिव एन इंट्रोडक्शन टू द काउंटर। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो वेव फॉर्म को समझने से पहले जो हमने एग्जांपल लिया है, वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, और एक और अजम्पशन हम यहाँ ले रहे हैं कि जो जेके फ्लिप फ्लॉप इसमें है वो एक आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप है। मतलब जब आपकी राइजिंग एज आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, तब आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा, ना ही फॉलिंग एज पर, ना ही लेवल ज़ीरो पर और ना ही लेवल वन पर। एक और अजम्पशन जो हम यहाँ ले रहे हैं कि हमारी जो करंट आउटपुट आ रही है वो है हाई है, मतलब वन है शुरुआत में। तो सबसे पहले हम क्लॉक को देखते हैं। इफ़ यू कैन सी हेयर, आपकी क्लॉक जो है वो पहले लेवल ज़ीरो पे है, फिर एक राइजिंग एज आई है, फिर वो लेवल वन पर गई है, फिर एक फॉलिंग एज, वापस ज़ीरो, एंड यही चीज़ बार बार रिपीट होती जा रही है आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपकी क्लॉक जो है वो चलती जा रही है। इट इज़ टॉगलिंग फ्रॉम हाई टू लो एंड अगेन लो टू हाई। और इसमें बीच में जो ड्यूरेशंस हैं वो अगर आप देख सकते हो तो सेम है, रेगुलर है। मतलब अगर आप कहें कि एक यूनिट के लिए आपकी क्लॉक लो है तो एक ही यूनिट के लिए हाई है, फिर एक यूनिट के लिए लो, फिर एक यूनिट के लिए हाई। और जब आपकी लो से हाई जाती है इट्स कॉल्ड राइजिंग एज, और जब आपकी क्लॉक हाई से लो जाती है इट्स कॉल्ड फॉलिंग एज। सिमिलरली आपकी इनपुट और आउटपुट भी आप अगर देखते हैं तो वो ज़ीरो और वन ही होती है, मींस लो या हाई। अगर बेस लाइन पे है तो वो लो है, मींस ज़ीरो है, और अगर बेस लाइन से ऊपर है तो मींस हाई है, इट मींस वन है। सो नाउ गेटिंग स्टार्टेड, और हमने जो अजम्पशन पहले ली हुई है कि इट्स अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, मतलब राइजिंग एज, ऐसी वाली एजेस पर आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा। तो यू कैन सी हेयर, आपका फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर एक्टिव हुआ, जे की वैल्यू अगर आप देखें, जे की इनपुट जो की है ज़ीरो, एंड सिमिलरली द इनपुट टू द के इज आल्सो ज़ीरो, बिकॉज बोथ द इनपुट्स आर एट बेस लाइन, दोनों के सिग्नल, दोनों के वेव फॉर्म बेस लाइन पर हैं। सो यू कैन सी इट्स अ कंडीशन फॉर नो चेंज। सो बिफोर मूविंग एनी फर्दर, हम जे के की कॉम्बिनेशन भी एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जे और के जब दोनों ज़ीरो ज़ीरो होते हैं इट्स अ कंडीशन फॉर नो चेंज। जे ज़ीरो होता है, के वन होता है, इट्स अ कंडीशन फॉर रीसेट। आपकी आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगी ही होगी, चाहे वो करंटली ज़ीरो है चाहे वन हो। जब जे वन हो, के ज़ीरो हो, योर आउटपुट विल डेफिनेटली बी वन, चाहे आपकी करंट आउटपुट ज़ीरो हो या वन, आपकी नेक्स्ट आउटपुट वन ही आएगी। वेन बोथ द इनपुट्स जे एंड के आर वन, तो आपकी आउटपुट क्यू टॉगल करेगी। टॉगल मीन्स जो पहले आपकी करंट आउटपुट आ रही है उससे टॉगल करके नेक्स्ट आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट आना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर ज़ीरो आ रही है तो वन आना शुरू हो जाएगा, आपकी करंट आउटपुट अगर वन है तो नेक्स्ट आउटपुट ज़ीरो आएगी। सो लेट्स मूव फर्दर नाउ। तो ज़ीरो ज़ीरो था तो मीन्स नो चेंज वाला केस चलेगा, और आउटपुट अगर आप देखें तो वन आ रही थी एंड इट विल रिमेन वन। नाउ जब लेवल वन आया, फॉलिंग एज आई, लेवल ज़ीरो आया, आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर नहीं किया बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। और अगेन अ पॉजिटिव एज यहाँ पर आई है। इफ़ यू कैन सी हेयर, जे इज अगेन ज़ीरो एंड के इज वन, दिस इज अ कंडीशन फॉर रीसेट, योर आउटपुट विल बी ज़ीरो इन दिस केस नाउ। तो आपकी आउटपुट देखिए सडनली ज़ीरो आ गई है। नेक्स्ट आपका फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर ट्रिगर करेगा, एंड यू कैन सी हेयर, जे भी आपका उसी टाइम पर ही वन हुआ है, एंड योर के इज़ ऑलरेडी वन, दिस इज़ द कंडीशन फॉर टॉगल। तो ऑब्वियसली जो भी आपकी टप की आ रही है वो टॉगल करेगी, ज़ीरो आ रही थी तो अब वो वन हो जाएगी। इन द सिमिलर वे यू कैन ट्राई द रेस्ट ऑफ द क्लॉक, और कैसे आपकी बची हुई वेव फॉर्म बनी है आउटपुट की वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये जे और के हमने कैसे लिया है, ये हमने खुद अज्यूम किया है कि इसकी वेव फॉर्म अब ऐसे है, हमने इसको अब ज़ीरो किया है या अब वन किया है, ठीक है। और
इन दोनों के बेसिस पे और क्लॉक की ट्रिगरिंग के बेसिस पे हम वेव फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ट्रिगर किया आपका फ्लिप फ्लॉप, यू कैन सी हेयर जे इज़ वन और के भी आपका वन ही है। इस पॉइंट पर देखिए के वन ही है अभी भी, थोड़ा सा आगे जाके वो ज़ीरो ज़रूर हो रहा है, बट जब आपका फ्लिप फ्लॉप इतनी सी जगह पर ही ट्रिगर कर रहा है तब के की वैल्यू वन ही है। तो अगेन इट विल टॉगल और वन से ज़ीरो हो गया है ये। मूविंग अप फर्दर, यहाँ पर अब आपका जे वन है, के ज़ीरो है और ऑब्वियसली सेट की कंडीशन है तो सेट हो जाएगा, आउटपुट वन आनी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे जे वन है, के ज़ीरो है, सेट ही रहेगा, वन आ रही थी और वन ही रहेगी क्योंकि सेट ही हो रहा है आपका फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली इस पूरी एग्जांपल का कॉन्सेप्ट आपको ये समझाने का है कि वेवफॉर्म्स कैसे वर्क करती हैं। क्लॉक ऑब्वियसली आप ऐसे ही बनाएंगे, जे और के आपको दी गई हो सकती हैं या आप उसको खुद अज्यूम कर सकते हैं एक वेवफॉर्म की एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए। और जे और के की वेवफॉर्म और क्लॉक को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी क्यू की वेवफॉर्म कैसी होगी। ऑब्वियसली आपको शुरुआत में इसको अज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे पहले वन भी आ सकती है आउटपुट और ज़ीरो भी आ सकती है क्योंकि हमारे पास पिछली वेवफॉर्म के पीछे का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। सो आई होप दिस इज़ क्वाइट क्लियर। नाउ वी स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन टू द काउंटर्स। तो बेसिकली काउंटर एज अ नेम सजेस्ट इट विल काउंट नंबर्स। तो काउंटर्स ऑब्वियसली दो कैटेगरीज में है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। वी विल गेट बैक टू दिस पॉइंट अ बिट इन अ मोमेंट। तो अब दूसरे पॉइंट पहले हम आते हैं कि अगर आपने एन बिट काउंटर बनाना है तो आपको एन फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। मीन्स अगर आपने तीन बिट का काउंटर बनाना है, थ्री बिट, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ थ्री बिट काउंटर यू नीड थ्री फ्लिप फ्लॉप्स। अगर आपने फोर बिट काउंटर बनाना है यू नीड फोर फ्लिप फ्लॉप्स, और पाँच बिट का बनाना है यू नीड फाइव फ्लिप फ्लॉप्स। तो काउंटर्स में अब काउंट होगा, जैसे कि अगर आप कहें तो डेसिमल काउंटर हो सकता है, डेसिमल काउंटर दैट विल काउंट फ्रॉम ज़ीरो टू नाइन। तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन काउंट करके वो वापस ज़ीरो पर आ जाएगा। सिमिलरली आप ऑक्टल काउंटर बना सकते हैं दैट विल काउंट फ्रॉम ज़ीरो टू सेवन, और हेक्साडेसिमल काउंटर ज़ीरो टू फिफ्टीन, और बीसीडी काउंटर ज़ीरो टू नाइन। आप अप काउंटर भी बना सकते हैं और डाउन काउंटर भी बना सकते हैं। अप काउंटर मीन्स दैट विल काउंट इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम ज़ीरो टू फिफ्टीन फॉर एन एग्जाम्पल, और डाउन काउंटर मीन्स जो फिफ्टीन टू ज़ीरो को जाएगा और ज़ीरो के बाद वापस रिवर्स ऑर्डर में फिफ्टीन में आ जाएगा, फिफ्टीन फोर्टीन थर्टीन ट्वेल्व सो ऑन टू वन ज़ीरो, और ज़ीरो के बाद वापस फिफ्टीन। नेक्स्ट अप जो चीज़ है एन बिट काउंटर, बेसिकली अगर आप चार बिट का काउंटर बनाते हैं तो ये टोटल 16 डिजिट काउंट कर सकता है, बिकॉज यू नो द प्रॉपर्टी टू रेज टू पावर एन। तो इतने डिजिट्स आप बना सकते हैं, इतने डिजिट्स आप काउंट कर सकते हैं उस काउंटर से। अगर आप थ्री बिट काउंटर बनाते हैं तो टू पावर थ्री आपके टोटल 8 डिजिट होंगे, और आपका एन बिट काउंटर है तो टोटल डी डिजिट्स होंगे, एंड यू कैन काउंट फ्रॉम 0 टू डी माइनस 1, इतना आप काउंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अप काउंटर होगा तो 0 टू डी माइनस 1, डाउन काउंटर होगा तो डी माइनस 1 टू 0। तो बेसिकली अगर आपने हेक्साडेसिमल काउंटर बनाना है तो 16 डिजिट्स होंगे तो आपको 4 बिट काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्टल बना रहे हो तो ऑब्वियसली 8 डिजिट हैं तो 3 बिट का काउंटर चाहिए। नाउ ऑब्वियसली आपको जितने बिट्स का आपका काउंटर बनेगा उतने आपके फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, जैसे कि ऑक्टल में आपके 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, तो आपके ऑब्वियसली 2, 3, 4 जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हो रहे हैं उन सभी को क्लॉक्स भी लगेगी, क्लॉक इनपुट भी लगेगी। तो अब हम पहले पॉइंट पे वापस आते हैं, द कैटेगरीज वन इज़ सिंक्रोनस एंड अदर इज़ असिंक्रोनस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं काउंटर में
अगर उनको सभी को सेम क्लॉक इनपुट दी जा रही है, एक ही क्लॉक जो सभी को इनपुट दी जा रही है, तो आपके वो काउंटर सिंक्रोनस होगा। अगर सभी को अलग अलग क्लॉक इनपुट दी जा रही है, देन दैट फ्लिप फ्लॉप दैट काउंटर इज असिंक्रोनस। तो ऑब्वियसली क्लॉक सेम है, सभी एक ही टाइम पर ट्रिगर करेंगे, सभी में सिंक होगा, सभी फ्लिप फ्लॉप में, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सिंक्रोनस। और अगर सभी को अलग अलग क्लॉक मिल रही है तो वो सिंक नहीं होंगे एक ही क्लॉक से, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड असिंक्रोनस। दिस इज ऑब्वियसली द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, नॉर्मली हम जब काउंटर्स बनाते हैं तो जे के फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप जे के ही यूज़ करते हैं हम, बट आई विल पर्सनली रिकमेंड कि टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया जाए, दैट विल रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग द एक्साइटेशन टेबल। सो उसके बाद एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ आपके काउंटर्स होंगे जो डी फ्लिप फ्लॉप से ही ज़्यादा बेटर तरीके से बन सकते हैं आपके। सो मूविंग अप नेक्स्ट, तो एक काउंटर की एक एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं, अप काउंटर में क्या होगा, ऑब्वियसली आपके 3 बिट का हम काउंटर ले रहे हैं कि 3 बिट का अप काउंटर है, ये 3 बिट अप काउंटर, तो ऑब्वियसली 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, तीनों से आउटपुट आएगी, 1 बिट एक फ्लिप फ्लॉप से आएगा, दूसरा बिट दूसरे से आएगा और तीसरा बिट तीसरे फ्लिप फ्लॉप से आएगा। और ऑब्वियसली अगर करंटली आपका फ्लिप फ्लॉप जो है आउटपुट दे रहा है 000, दैट रिप्रेजेंट्स डेसिमल डिजिट 0, तो आपकी अगले नंबर क्या आना चाहिए आप काउंटर में, 0 के बाद 1 आना चाहिए, तो 001 रिप्रेजेंट्स 1। सिमिलरली अगर आप करंटली आपकी आउटपुट आ रही है 001, दैट मीन्स 1, तो आपकी नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगी, 010, दैट रिप्रेजेंट्स 2। सिमिलरली ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट आउटपुट 4 आनी चाहिए, ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट आउटपुट 5 आनी चाहिए, और 5101 बाइनरी में 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जब 7 पे पहुंच जाएंगे 111, तो अगला नंबर ऑब्वियसली आपका वापस 0 से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो 000 रिप्रेजेंट्स 0। तो ये चीज़ है बेसिकली आपका काउंटर। और नेक्स्ट हम डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन द इंटरकनेक्शंस, बस आप इतनी चीज़ को देखिए कि ये सिंक्रोनस अप काउंटर है। क्लॉक पर अगर ध्यान दो आप, तो सेम क्लॉक देखिए पहले फ्लिप फ्लॉप को जा रही है, दूसरे को भी जा रही है और तीसरे को भी जा रही है, जे के फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए गए हैं इसमें। पहले फ्लिप फ्लॉप से 1 बिट निकल रही है, देखिए क्यू नॉट, दूसरे फ्लिप फ्लॉप से 1 बिट निकल रही है Q1, एंड सिमिलरली द थर्ड फ्लिप फ्लॉप इज आउटपुटिंग Q2 द थर्ड बिट। और बीच के इंटरकनेक्शंस ऑब्वियसली वो कैसे फाइंड आउट होते हैं, वी विल सी इट इन आर नेक्स्ट वीडियो। तो ये आपका है अप काउंटर, या बेसिकली यू कैन से काउंटर। ऐसे ही अगर अपने फोर बिट काउंटर बनाना होता तो यू विल ऑल्सो मेक अनदर फ्लिप फ्लॉप हेयर to get the fourth bit of your counter output. This is all about the video, up counters and the waveforms. Thank you.